दोस्तों आज हम बात करेंगे फिजी की, जिसे इंडिया का पिवट ऑफ पैसिफिक भी कहा जाता है। फिजी साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड एक आइलैंड कंट्री है, जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज यानी कि PIC का एक अहम फोकल पॉइंट है। 21st सेंचुरी में जब ग्लोबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंडो पैसिफिक रीजन में शिफ्ट हो रहा है, जिसे पार्शली चाइना के बढ़ते प्रेजेंस और USA के पैसिफिक रिबैलेंसिंग ने प्रमोट किया, साउथ पैसिफिक एक अहम जियो स्ट्रैटेजिक और जियो इकोनॉमिक लोकेशन बन गया है। जहां पहले इस रीजन को पैसिफिक बैकवाटर्स का नाम देकर निग्लेक्ट किया गया, वहीं आज ये रीजन अपने स्ट्रैटेजिक लोकेशन के कारण सिग्निफिकेंट बन गया है। यहां से वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पास होता है, जो उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। 2014 के PM मोदी द्वारा किए गए हिस्टोरिक विजिट इंडिया के एक्ट ईस्ट फर्दर पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। 1981 के इंदिरा गांधी के विजिट के बाद इस रीजन को विजिट करने वाले PM मोदी सेकेंड PM बने। PM मोदी द्वारा लिया गया ये स्टेप इंडिया के फिजी इंगेजमेंट में लैंडमार्क माना जाता है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं फिजी और अन्य PIC के बेसिक ज्योग्राफी और स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस को। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे इंडिया फिजी रिलेशन के तहत हम चाइना का इस रीजन में बढ़ते प्रेजेंस को काउंटर कर सकते हैं और पैसिफिक में अपना प्रेजेंस मेंटेन कर सकते हैं। इस रीजन के स्ट्रैटेजिक एंगल को जानने से पहले आइए हम पहले यहाँ की ज्योग्राफी को जान ले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका Study IQ में। PIC 14 इंडिपेंडेंट कंट्रीज का एक एसोसिएशन है, जिन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है माइक्रोनेशिया, जिसमें नाउरू, पलाऊ, मार्शल आइलैंड्स, फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया और किरीबाती इंक्लूडेड है। दूसरा है पॉलिनेशिया, जिसमें कुक आइलैंड, न्यूए, तुवालू, टोंगा और सैमुआ इंक्लूडेड है। और थर्ड ग्रुप है मेलानेशिया, जिसमें पापुआ न्यू गिनी, वनुआतु, सोलोमन आइलैंड्स और फिजी इंक्लूडेड है। अगर हम स्पेसिफिकली फिजी की बात करें तो ये मेलानेशिया में पाया जाने वाला आइलैंड कंट्री है, जो न्यूजीलैंड के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। यहाँ 330 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, जिनमें करीब 110 परमानेंटली इनहैबिटेड है। 87% पॉपुलेशन 2 मेजर आइलैंड्स में पाए जाते हैं, जिनका नाम है वितिलेवु और वेनुअलेवु। फिजी का कैपिटल सुवा वितिलेवु आइलैंड में लोकेटेड है। सुवा फिजी का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर है। यहाँ कई इंटरनेशनल और रीजनल एजेंसीज के हेडक्वार्टर्स पाए जाते हैं, जैसे पैसिफिक आइलैंड फोरम सेक्रेटरिएट WB, UNDP और ADB का रीजनल हेडक्वार्टर भी यहीं लोकेटेड है। फिजी और PIC के लोकेशन को समझने के बाद अब हम बात करेंगे इस रीजन के स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस के बारे में। इस रीजन का सिग्निफिकेंस इस प्रकार है। फिजी और PIC इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्रीज हैं, जिन्हें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस, कॉमनवेल्थ नेशंस में इक्वल वोटिंग राइट दिया गया है। मल्टीलेटरल फोरम्स में PIC मेजोरिटी वोट शेयर के रूप में इंडिया को कई ग्लोबल इश्यूज में सपोर्ट कर सकते हैं। इनकी मदद से UNSC को रिफॉर्म कर इंडिया परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर सकता है। इंडिया ने इस पोस्चर को 2015 के सेकेंड फोरम फॉर इंडिया PIC जयपुर समिट के दौरान रिट्रेट किया। वहीं इस रीजन का यूनिक ज्योग्राफिक लोकेशन सैटेलाइट और मॉनिटरिंग स्टेशन के लिए आइडियल है। 2 शिप्स साई यमुना और साई नालंदा के मदद से शिप बोर्न टर्मिनल को साउथ पैसिफिक में डिप्लॉय किया गया। ये शिप्स ट्रैकिंग स्टेशन के रूप में इंडिया को हेल्प करेंगे। वहीं इंडिया का मार्स ऑर्बिटल मिशन फिजी से मॉनिटर किया गया था। 21st सेंचुरी में जब इंडिया ग्लोबल कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट बनना चाहता है, तब इस रीजन का स्पेस सेक्टर में सिग्निफिकेंस और भी बढ़ जाता है। अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये रीजन नेचुरल रिसोर्सेज से अबंडेंट है। यहाँ कई इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कॉपर, गोल्ड, निकल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस। फिशिंग के अलावा फिजी शुगर केन, टिम्बर के लिए भी फेमस है। इंडिया का इस रीजन के साथ ट्रेड रिलेशन रिलेटिवली कम है। ये रीजन इंडिया का 1.4% एक्सपोर्ट्स और 2.5% इंपोर्ट्स ऑक्यूपाई करते हैं। अगर हम इस रीजन को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ इंक्लूड करें तो इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए रिलायबल मार्केट मिल सकता है। फाइनली इस रीजन का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस इमेंस है। यहाँ से वर्ल्ड का मेजॉरिटी ट्रेड पास होता है। क्रिटिकल सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन के तहत एशिया और लैटिन अमेरिका को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। चोक पॉइंट के रूप में इस रीजन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। लास्ट 2 डिकेड्स में चाइना ने इस रीजन में अपना प्रेजेंस बढ़ाया है, जो इंडिया के इंडो पैसिफिक डोमिनेंस को थ्रेटन कर सकता है। इसलिए NDA गवर्नमेंट ने इस रीजन को पिवट ऑफ पैसिफिक डिक्लेयर किया है। हिस्टोरिकली 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियंस को इंडेंटेड लेबरर्स के तौर पर लाया है
और उन्हें शुगर केन फार्म्स पर काम करने के लिए मजबूर किया गया। आज यही डायस्पोरा फिजी का 38% ऑक्युपाई करते हैं। फिजी ब्रिटिश के शासन से 1970 में इंडिपेंडेंट हुआ। पीएम इंदिरा गांधी इंडिया की पहली पीएम थी जिन्होंने इस रीजन को 1981 में विजिट किया। जहां एक तरफ फिजी अपने पॉलिटिकल रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, वहीं 1987 और 2006 के मिलिट्री कू ने कंट्री की प्रोग्रेस को हॉल्ट किया। फाइनली पीएम मोदी ने 2014 में इस रीजन को हिस्टोरिक विजिट देकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी को पैसिफिक रीजन तक एक्सटेंड किया। 19 नवंबर 2014 को सुवा फिजी में फोरम फॉर इंडिया पीआईसी इनॉग्रेट किया गया। 2014 के फर्स्ट समिट में इंडिया ने कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, जैसे स्पेशल फंड ऑफ $1 मिलियन के तहत कंट्रीज के लिए अडेप्टेशन फंड क्रिएट किया गया। इसके अलावा पैन पैसिफिक आइलैंड ई नेटवर्क के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। सभी 14 कंट्रीज के लिए वीजा ऑन अराइवल एक्सटेंड किया गया। साथ ही डिप्लोमेट ट्रेनिंग, स्पेस कोऑपरेशन, ट्रेड ऑफिस के तहत रिलेशनशिप को ब्रॉडन किया। 21 अगस्त 2015 को सेकेंड FIPIC समिट जयपुर में ऑर्गेनाइज किया गया। फर्स्ट समिट के बिल्डअप में क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी, फूड सिक्योरिटी और UN रिफॉर्म्स पर फोकस किया गया। इस समिट में पीएम मोदी ने ट्रेड को एम्फसाइज करते हुए कहा, ट्रेड मोर देन एड इज द इनेबलर फॉर डेवलपमेंट। इसी के साथ स्पेस कोऑपरेशन के तहत इसरो को ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन फिजी में एस्टैब्लिश किया गया। इस स्टेप द्वारा इंडिया का ऑस्ट्रेलिया और USA के मॉनिटरिंग स्टेशन पर रिलायंस कम हुआ। क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ते सी लेवल ने पीआईसी का एग्जिस्टेंस थ्रेटन किया है। इसे टैकल करने के लिए मई 2017 को इंडिया पीआईसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सुवा फिजी में ऑर्गेनाइज किया गया। इस समिट के दौरान 3 MOU साइन किए गए, कॉरपोरेशन इन यूथ डेवलपमेंट, ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसी के साथ फिजी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के इनॉग्रल सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस या कहें ISA एक इंडिया फ्रांस इनिशिएटिव है जो सोलर एनर्जी प्रमोट करना चाहता है। रिसेंटली जून 22, 2021 को इंडिया फिजी के बीच MOU साइन किया गया, जिसका फोकस एरिया एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है। इस MOU के तहत एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप स्टैब्लिश किया जाएगा जो प्लान्स, प्रोसीजर्स और प्रोग्राम्स रिकमेंड करेंगे। इस MOU के तहत डेयरी, राइस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा पर फोकस किया जाएगा। जहां एक तरफ इंडिया साउथ पैसिफिक में अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, वहीं चाइना ने यहां थ्रेटन करना शुरू किया है। फिजी ने लुक नॉट पॉलिसी का यूज कर चाइना कार्ड को कॉन्शियसली यूज किया है। चाइना के बढ़ते पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगेजमेंट इस रीजन के चेंजिंग डायनेमिक्स को दर्शाते हैं। लार्जेस्ट डोनर होने के साथ चाइना ने 8/14 PIC में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किया है। टिम्बर, मिनरल्स, अंडरग्राउंड सीबेड चाइना के ट्रेड रिलेशंस का एक अहम पहलू है। चाइना के बढ़ते इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ने US, जापान और ऑस्ट्रेलिया में इनसिक्योरिटी क्रिएट किया है, जिन्होंने अब तक इस रीजन को डोमिनेट किया था। 2009 के फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड ट्रेड रेफरेंसेस कमिटी सेनेट रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 2007 के बीच चाइनीज एड 10-fold इंक्रीज हुआ है। कंसेशनल लोन्स देकर चाइना ने अपना प्रेजेंस डेवलपमेंट एस्पेक्ट में भी किया है। ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बढ़ते ग्लोबल फुटप्रिंट को रिफ्लेक्ट करता है। डेट ट्रैप कंसर्न के चलते पीआईसी ने जापान और इंडिया को एक्टिवली डेवलपमेंट असिस्टेंस करने के लिए कहा है। इंडिया ने इस चाइनीज थ्रेट को काउंटर करने के लिए डिफेंस रिलेटेड एंगेजमेंट शुरू किया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस इंडेक्स बलाई एक्सरसाइज रेगुलरली इंडियन और पैसिफिक ओशन में कंडक्ट किया जाता है। मालबार एक्सरसाइज के तहत इंडिया, US, जापान द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन में ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कैरी किया जाता है। इसी के साथ 2017 में क्वाड का निर्माण इंडिया के इंडो पैसिफिक पोस्चर को दर्शाता है। वहीं मई 2017 को इंडिया ने फिजी के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया। इस पैक्ट के तहत कई एरियाज में फोकस किया जाएगा, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, शेयरिंग ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, डिजास्टर असिस्टेंस एक्सेट्रा। इसी के साथ इंडिया को फिजी की नेवल फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए परमिशन दिया गया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पीआईसी और खास करके फिजी इंडिया के इंडो पैसिफिक रीजन प्रेजेंस के लिए कितने वाइटल हैं। 2014 के एंगेजमेंट के बाद इंडिया पीआईसी का ग्रोथ पोटेंशियल और भी बढ़ गया है। इस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हमें 3 चीजों पर काम करना चाहिए। इंडिया को प्रोजेक्ट कमिटमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के बीच के गैप को एड्रेस करना चाहिए। एड्स ग्रांट्स अनाउंस किए जाते हैं और सैडली इनका फॉलोअप नहीं किया जाता। इसी के साथ इंडिया को इस रीजन में डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट इंप्रूव करनी चाहिए।
हम इस रीजन में सिर्फ फिजी और पापुआ न्यू गिनी पर फोकस किया है। अगर हमें पीआईसी का टोटल सपोर्ट चाहिए तो बाकी कंट्रीज को भी साथ लेके चलना होगा। फाइनली हमें इंडियन डायस्पोरा को एसेट की तरह देखना चाहिए। प्रवासी भारतीय दिवस, नो इंडिया प्रोग्राम एक्सेट्रा के तहत हम बेटर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इंश्योर कर सकते हैं। इंडियन मैरिटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2015 ने इस रीजन को सेकेंडरी एरिया ऑफ मैरिटाइम इंटरेस्ट के रूप में इंक्लूड किया है। इस डॉक्यूमेंट ने डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग, नेवल प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग बायलेटरल ट्राइज को यूज कर पीआईसी को इंडिया के मैरिटाइम डोमेन में लाने की बात कही है। इस तरह एक हॉलिस्टिक फ्रेमवर्क के तहत हम फिजी और पीआईसी को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इंक्लूड कर हमारे इंडो पैसिफिक डोमिनेंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से फिजी के अलावा कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं और उनका सिग्निफिकेंस किस तरह से इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।